मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर 11 में नेक्स्ट टॉपिक है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। हीट ट्रांसफर के टोटल हमने तीन टाइप्स देखे थे, एक था कंडक्शन, सेकंड था कन्वेक्शन और थर्ड था रेडिएशन। तो रेडिएशन का जो पार्ट है उसमें ही सब टॉपिक है उसका ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी रेडिएशन में मोस्टली हमें दो क्वांटिटी पे फोकस करना है। उसमें जो फर्स्ट क्वांटिटी है वो है वेवलेंथ, वेवलेंथ जिसको हम क्या बोलते हैं लैम्डा बोलते हैं, और दूसरा है टेम्परेचर। ठीक है, तो यहाँ पे ब्लैक बॉडी रेडिएशन में आपको एक ग्राफ दिया हुआ है जिसमें ये जो वाई एक्सिस है उसमें है रेडिएशन एनर्जी, बट रेडिएशन एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट वेवलेंथ, रेडिएशन एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट वेवलेंथ। अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो अगर एज अ रेडिएटर यूज हो रहा है, ठीक है, जैसे सन है वो एज अ रेडिएटर है, तो वो जो ऑब्जेक्ट है पर रेडिएटर है तो उसमें से कोई ना कोई रेडिएशन एनर्जी या तो रेडिएटर एनर्जी उसमें से रेडिएट होगी, पर वो एनर्जी कैसे होनी चाहिए पर यूनिट एरिया पर यूनिट वेवलेंथ। और यहां पे एक्स एक्सिस पे आपको दिया हुआ है वेवलेंथ मतलब लैम्डा। वेवलेंथ का सिंबल क्या है, वेवलेंथ का सिंबल है लैम्डा। तो यहां पे रेडिएशन एनर्जी और यहां पे लैम्डा। अभी डिफरेंट डिफरेंट यहां पे ऑब्जेक्ट देखते हैं जिसमें रेडिएशन एनर्जी वर्सेस लैम्डा का यहां पे आपको ग्राफ दिया हुआ है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पे देखते हैं हम आर्क। आर्क कहां पे जनरेट होता है, जब भी कोई लकड़ी हम जब जलाते हैं, या तो आपने देखा होगा बाइक, बाइक में जैसे हम स्पार्क बोलते हैं, जैसे ही की हम जैसे प्रेस करते हैं उसकी, ठीक है, वो जैसे स्पार्क होता है इंजन में, वहां पे टेम्परेचर नियर बाय कितना होता है 3000 केल्विन जितना होता है। ठीक है, तो पहले उसकी रेडिएशन एनर्जी होगी क्या होगी इंक्रीज होगी, उसके बाद मैक्सिमम हो जाएगी और मैक्सिमम के बाद फिर से क्या होगी डिक्रीज होगी। तो ये आर्क का ग्राफ है, जैसे विजिबल लाइट का ग्राफ भी आपको दिया हुआ है, ये विजिबल लाइट के लिए ग्राफ है। विजिबल लाइट माना हम जो देख सकते हैं वैसी लाइट, उसमें भी सर्टेन कोई वेवलेंथ होती है, और वेवलेंथ का यहाँ पे हमने जो यूनिट लिया है वो कौन सा है एंगस्ट्रॉम में यूनिट लिया है। थर्ड यहाँ पे आपको दिया है बल्ब फिलामेंट। देखो अभी तो एलईडी का जमाना आ गया, पहले क्या था ऐसे बल्ब थे, बल्ब में यहाँ पे फिलामेंट होता है, इसको हम क्या बोलते हैं बल्ब फिलामेंट, ये बल्ब फिलामेंट। ठीक है, जब भी हम यहाँ पे पोटेंशियल देते हैं या तो करंट अप्लाई करते हैं तब क्या होता है इसमें से बल्ब फिलामेंट में से जो बल्ब जलता है तब उसमें से जो रोशनी बाहर आती है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं ये बल्ब फिलामेंट से यहाँ पे जो हीट जनरेट होती है उसके लिए ग्राफ अगर देखा तो स्टार्टिंग में देखो इंक्रीज हो रहा है, तो वेवलेंथ भी इंक्रीज हो रही है, उसकी रेडिएशन एनर्जी भी इंक्रीज हो रही है, उसके बाद लिटल यहाँ पे कॉन्स्टेंट हो रही है और उसके बाद पूरा इंक्रीज हो रहा है, मतलब ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट जैसा ग्राफ। वैसे एक थर्ड आपको दिया है सनलाइट के, सनलाइट में से सन रेज जो भी आते हैं उसमें इन अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आते हैं, उसमें बहुत सारे वेव्स होते हैं, बहुत सारे रेज होते हैं, गामाज होते हैं, एक्स रेज होते हैं, ठीक है, यूवी रेज होते हैं उसमें, ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे वेव्स होते हैं, माइक्रोवेव्स होते हैं, तो जब भी अर्थ पे जब आते हैं तो उसकी भी डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ होती है। ठीक है, तो सनलाइट में सन का जो बाहर का टेम्परेचर है, सरफेस का टेम्परेचर, ये सरफेस है सन का, वो टेम्परेचर ऑलमोस्ट कितना है 6000 केल्विन, जो भी डिटेल में यहाँ पे थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट में भी अभी देख रहे हैं। ठीक है, तो ऑलमोस्ट आपको जो ग्राफ दिया है वो रेडिएशन एनर्जी वर्सेस आपको वेवलेंथ का ग्राफ दिया। ओके, तो दोनों के बीच में रिलेशन क्या है कि यहां पे अगर आप देखो तो वेवलेंथ वो भी कभी मैक्सिमम होती होगी, जैसे यहाँ पे मान लो कि मैक्सिमम वेवलेंथ है, ठीक है, और टेम्परेचर भी कभी मैक्सिमम होता होगा, तो ये दोनों के बीच का जो रिलेशन है उसको बोलते हैं विन डिस्प्लेसमेंट लॉ। सो स्टार्ट करते वेवलेंथ लैम्डा एन फॉर विच एनर्जी इज मैक्सिमम, वेवलेंथ कैसी होनी चाहिए लैम्डा एन मतलब मैक्सिमम वेवलेंथ,
कि जहां पे एनर्जी क्या होती है मैक्सिमम होती है, डिक्रीजिंग विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर। मतलब जब वेवलेंथ इंक्रीज होती है तो एनर्जी डिक्रीज होती है, आइदर एनर्जी इंक्रीज होती है तो वेवलेंथ डिक्रीज होती है। तो दोनों के बीच का रिलेशन क्या है? तो रिलेशन बिटवीन लैम्डा एम एंड टी, ये दोनों के बीच का जो रिलेशन है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि एक इंक्रीज होता है तो दूसरा डिक्रीज होता है। ठीक है, तो लैम्डा एम इज प्रोपोर्शनल टू 1 डिवाइड बाय टी, सो दैट लैम्डा एम इनटू टी इज इक्वल टू, सामने क्या लिख सकते हैं, कांस्टेंट। ठीक है, तो ये जो लॉ आया इसको बोलते हैं वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ। क्या बोलते हैं? इट इज नोन एज वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ। ओके, जेडब्ल्यू और नीट के लिए इंपॉर्टेंट फॉर्मूला नोट डाउन कर दो। लैम्डा और टी मतलब टेम्परेचर के बीच का रिलेशन क्या होगा? लैम्डा एम इनटू टी इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये जो कांस्टेंट है उसको वीन कांस्टेंट बोलते हैं। तो वीन कांस्टेंट की वैल्यू भी आपको याद रखनी है, 2.9 इनटू 10 टू द पावर -3 होगा। यूनिट क्या मिलेगा आपको? तो वेवलेंथ, वेवलेंथ का यूनिट होता है मीटर, और टेम्परेचर, टेम्परेचर का क्या होगा? केल्विन। समझ में आया? तो इसका बेटा क्या होगा? मीटर और टेम्परेचर का केल्विन। ओके, ये हो गया वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ। अभी ये वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ है उसके ऊपर कुछ थ्योरेटिकल पार्ट से वो पढ़ते हैं कि वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ है, अगर उसको प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन में अगर देखना हो तो हम कैसे देख सकते। जैसे मान लो कि हमने आयरन रॉड है, आयरन रॉड किसी फ्लेम में रखा, तो उसके बाद उसका कलर जो है वो टाइम बाय टाइम क्या होता है, चेंज होता है। तो उसमें भी इफेक्ट किसकी होती है? वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ की होती है। कैसे? तो जैसे आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो वेवलेंथ क्या होगी? डिक्रीज होगी। और आप जानते हो कि डिफरेंट डिफरेंट कलर्स है उसकी वेवलेंथ डिफरेंट डिफरेंट होती है। जैसे रेड है, विप्योर आपने पढ़ा होगा, ठीक है, वायलेट है, रेड है, ब्लू है, ऑरेंज है, ये सब जो कलर्स है उसकी वेवलेंथ डिफरेंट डिफरेंट है। तो जैसे ही आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो सबकी क्या होती है, सब कलर्स की जो वेवलेंथ है वो चेंज होती है। ठीक है, आपने जब जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज किया तो वेवलेंथ डिक्रीज होती है, जिससे आपको उसमें कलर चेंजिंग दिखता है। तो फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, दिस लॉ एक्सप्लेन व्हाई द कलर ऑफ पीस ऑफ आयरन हीटेड इन अ हॉट फ्लेम, पीस ऑफ आयरन को हॉट फ्लेम में जब भी हीट किया जाता है तब क्या होता है, फर्स्ट बिकम डल रेड। देखो फर्स्ट कलर क्या होगा? डल रेड होगा, देन रेडिश येलो, इसके बाद रेडिश येलो होगा, एंड फाइनली क्या होगा? व्हाइट होगा। तीन कलर उसमें से चेंज होंगे। देखो जैसे ही आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो देन द कलर विल इंक्रीज स्पॉन्टेनियसली, सो फर्स्ट बिकम डल रेड, सेकंड वन रेडिश येलो, एंड फाइनली व्हाइट। इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ, जस्ट बिकॉज ऑफ वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ। ओके, वीन्स लॉ इज यूजफुल फॉर एस्टिमेटिंग द सरफेस टेम्परेचर ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज लाइक मून, सन एंड द अदर स्टार्स। मून, सन और अदर स्टार्स, ये सबका सरफेस टेम्परेचर भी आपको मेजर करना होगा। तो हम वहां पे जाके तो टच नहीं कर सकते क्योंकि ये तो इम्पॉसिबल, क्योंकि वहां का टेम्परेचर बहुत ही हाई होता है। तो क्या करेंगे? तो वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ में क्या है, रिलेशन किसका? टेम्परेचर और वेवलेंथ का। ठीक है, तो वहां का जो कलर होगा तो कलर से हमें पता चल जाएगा कि ये कौन सी वेवलेंथ का है। ठीक है, तो वेवलेंथ पता चल जाएगा तो वेवलेंथ और टेम्परेचर उसके बीच का एक रिलेशन है, तो रिलेशन से हम उसका टेम्परेचर भी मेजर कर सकते हैं। बट कौन सा टेम्परेचर ओनली मेजर होगा? तो सरफेस टेम्परेचर ही। जैसे मान लो ई ए सन, ठीक है, तो ए उसका सरफेस है। इसमें देखो दो पार्ट होते हैं, ए के सरफेस होता है और जो ये अंदर का पार्ट होता है ना इसको कोर बोला जाता है, ये कोर पार्ट। तो कोर पार्ट का तो टेम्परेचर बहुत ही हाई होता है,
हमें तो सिर्फ सरफेस का टेम्परेचर चाहिए, तो सरफेस का टेम्परेचर इससे मिल सकता है। ओके, लाइट फ्रॉम द मून इज फाउंड टू हैव अ मैक्सिमम इंटेंसिटी नियर द वैली ऑफ 14 माइक्रोमीटर। लाइट फ्रॉम द मून, मून में से जो लाइट आती है उसमें से जो मैक्सिमम इंटेंसिटी होती है, वो मैक्सिमम इंटेंसिटी कौन से वेवलेंथ पे होती है, तो 14 माइक्रोमीटर। माइक्रो मतलब 10^-6 मीटर। इस वेवलेंथ ए वैल्यूज की जब वेवलेंथ होगी, तब मून में से जो लाइट आती है उसकी इंटेंसिटी ऑलवेज क्या होती है, मैक्सिमम होती है। एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। By mean slow, the surface of moon is estimated to have a temperature of 200 Kelvin. इससे beam displacement law से moon के surface का temperature approximate हमने कितना estimate किया है, 200 Kelvin, right? और वैसे ही sun के लिए, मतलब solar radiation has a maximum wavelength. मैक्सिमम वेवलेंथ बेटा कितनी है, मैक्सिमम वेवलेंथ इसके लिए कितनी है, 4753 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, द सोलर रेडिएशन हैज अ मैक्सिमम वेवलेंथ लैम्डा एम। अगर आपके पास लैम्डा एम है तो आप टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। सो दिस करस्पोंड टू द टेम्परेचर ऑफ 6060 केल्विन, व्हिच इज अ टेम्परेचर ऑफ सरफेस ऑफ द सन। इट इज नॉट इन इनर पार्ट ऑफ द सन, इट इज जस्ट टेम्परेचर ऑफ सरफेस ऑफ द सन। जहां पे यहां पे मैंने बताया ये सरफेस का टेम्परेचर होगा। सो ऑल द वैल्यूज आर वेरी इंपॉर्टेंट ऑन द बेसिक ऑफ एमसीक्यूज। ओके, सो यू जस्ट रिमाइंड दिस वैल्यू, लैम्डा एम इज अ मैक्सिमम वेवलेंथ एंड दिस करस्पोंडिंग टेम्परेचर ऑफ द सेलेस्टियल बॉडी। ओके, सो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक एंड नेक्स्ट लॉ, विच इज स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, फॉर अ बॉडी विच इज परफेक्ट रेडिएटर, अगर कोई ऐसी बॉडी है जो परफेक्ट रेडिएटर है, द एनर्जी एमिटेड पर यूनिट टाइम विच इज गिवन बाय एच। एनर्जी एमिटेड पर यूनिट टाइम एच इज गिवन बाय एच इज इक्वल टू A sigma T raised to 4, where A is the area of body, whatever the shape doesn't matter. Okay, sigma is Stefan Boltzmann constant. It has the fixed value 5.67 into 10^-8, 5.67 into 10^-8, watt meter raised to minus 2 Kelvin raised to minus 4। ठीक है, चलो ये values जो है अगर आपको सिंपला याद रखनी हो तो मैं एक आपको हिंट देता हूं, 5, 6, 7, 8 याद रखना है। क्या करना है, 5, 6, 7, 8, 9 एलिमिनेट करना है 10, 5, 6, 7, 8, 9 एलिमिनेट करना है 10। यूनिट कैसे याद रखोगे, तो यहां पे जो एच दिया है वो एनर्जी पर यूनिट टाइम। अभी एनर्जी पर यूनिट टाइम मतलब एनर्जी मतलब की पर यूनिट टाइम मतलब टी, ये तो पावर हो गया, एनर्जी पर टाइम मतलब पावर हो गया, पावर का यूनिट क्या होता है वाट। चलो ये एरिया नीचे जाएगा मतलब मीटर रेस्ट टू माइनस टू, और यहाँ पर टेम्परेचर भी डिनोमिनेटर पार्ट में जाएगा, दैट मींस केल्विन रेस्ट टू माइनस फोर, तो सिग्मा की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी। ओके, तो ये हो गया स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। बट अगर इसमें एक फैक्टर है जिसको बोलते हैं एमिसिविटी, अगर ई इसमें ऐड किया जाए तो ये फॉर्मूला क्या बन सकता है,
सिग्मा टी रेस टू 4। तो एमिसिविटी क्या होती है कि कोई भी ऑब्जेक्ट होता है वो किसी लाइट को कितना एमिट कर सकता है, उसका एक फैक्टर है। ठीक है, जैसे मैं आपको बताऊं कि टंगस्टन है तो टंगस्टन के लिए कितना होता है 0.4 है। बट कोई परफेक्ट रेडिएटर अगर है, कोई ऑब्जेक्ट को जैसे हम क्या बोलते हैं परफेक्ट रेडिएटर, ठीक है, तो उसके लिए एमिसिविटी 1 होती है, याद रखो। परफेक्ट रेडिएटर के लिए एमिसिविटी ऑलवेज क्या होती है 1। ओके, तो एमिसिविटी जब आपको ऐड करनी हो तो उसमें ई से इस फॉर्मूला को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर यही लॉ जो है वो दो डिफरेंट टेम्परेचर के लिए अप्लाई करें, जिसमें एक टेम्परेचर होता है नॉर्मल टेम्परेचर और दूसरा होता है सराउंडिंग टेम्परेचर, मतलब किसी बॉडी का टेम्परेचर होता है, तो यहां पे लिखते हैं इफ टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग्स इज टीएस एंड टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग इज टीएच एंड टेम्परेचर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज टी, देन वी कैन राइट दिस फॉर्मूला लाइक दैट एच इज इक्वल टू ए, पहले ई नहीं लिखते हैं यहां पर, ओनली सिग्मा लिखते हैं। ठीक है, चलो यहां पे क्या हो गया टी माइनस टीएस, बट यहां पे कितना पावर है 4 पावर है, तो दोनों में पावर कितना होगा 4 होगा। ठीक है, तो ये अपना फॉर्मूला हो गया सराउंडिंग टेम्परेचर और ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर, पर इसमें भी एमिसिविटी अगर ऐड करे तो ई से मल्टीप्लाई कर दो, तो ए ई सिग्मा टी रेस टू 4 माइनस टी एस रेस टू 4। तो ये स्टीफन बोल्ट्जमैन शो हो गया, उसका पूरा डिस्क्रिप्शन। तो हमें जो मेन फॉर्मूला में याद रखना है वो फॉर्मूला ए सिग्मा टी रेस टू 4, ए सिग्मा टी रेस टू 4 ये मेन फॉर्मूला है स्टीफन बोल्ट्जमैन, जिसमें सिग्मा होता है उसको बोलते हैं स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। बट एमिसिविटी अगर आप ऐड करते हो तो ई से क्या कर देना बेटा, उसमें मल्टीप्लाई कर। ओके, सो टुडे वी हैव लर्न ब्लैक बॉडी रेडिएशन, विन डिस्प्लेसमेंट लॉ विच इज अ रिलेशन बिटवीन द मैक्सिमम वेवलेंथ एंड द टेम्परेचर विच इज लैम्डा एम इनटू टी इज इक्वल टू कांस्टेंट विच इज विन डिस्प्लेसमेंट लॉ एंड द वैल्यू ऑफ विन विन्स कांस्टेंट 2.9 इंटू 10 टू द पावर -3 एंड द सेकंड लॉ विच इज स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ एंड ऑल्सो द कांस्टेंट ऑफ स्टीफन बोल्ट्जमैन विच इज स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एंड द वैल्यू इज 5.67 इंटू 10 टू द पावर -8 वॉट मीटर रेस टू -2 केल्विन रेस टू -4। ओके, थैंक यू वेरी मच।